नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णा सिंह। नमस्कार, दिस इज शिल्पा सिंह राजपूत। अगेन वेलकम बैक टू चैनल कृष्णा व्यूज। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जक्का संगे। तो गाइस आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है कराची ट्रैक हैवी बाइक रेसिंग 2018 का। ये वीडियो है एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान चैनल से, ये वीडियो है और इसके अंदर मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा हैवी बाइक्स, यानी कि खतरनाक बाइक मिलेंगे, सारे स्पोर्ट्स बाइक मिलेंगे और जितने भी अमीर घराने लोग हैं इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो भी अपने शौक पूरे कर रहे हैं पाकिस्तान में दमदार बाइक्स लेके, उन सबके रेसिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और किस किस तरह की कौन कौन सी बाइक, मैंने ज़्यादा बाइक देखी नहीं अभी तक पाकिस्तान में, मैंने बस एक ही देखी है, उसका नाम क्या है कृष्णा, जो हम नॉर्मली ब्लॉग्स में देखते हैं बाइक, वही होंडा होंडा की होती है। पर आज हम लोग रेसिंग बाइक देखने वाले हैं। हाँ, रेसिंग बाइक देखने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वहाँ पे कौन सी रेसिंग बाइक है, हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। चलो देखो, हमने देखी ना इरफान जुनेजो के पास है। हाँ, एक ही देखी है ना, वो वही तो बोल रही हूँ। 1 2 3 एंड स्टार्ट। हे गाइस, एक वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया था जिससे आप इजीली घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम क्या करें। तो गाइस उस वेबसाइट का नाम है आईक्यू ऑप्शन, ध्यान रखिएगा आईक्यू ऑप्शन। तो आप लोगों को करना ये है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वो जो लिंक मिलेगी आपको सबसे नंबर वन पे, आपको उस पर क्लिक करना है और वहाँ से रजिस्टर करना है। उससे रजिस्टर करने का ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप जब भी फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करोगे तो आपको उसको डबल बोनस मिलेगा। इट मीन्स सपोज अगर आप $10 डिपॉजिट करते हो आपको मिलेगा $20, और बहुत सारे वेरियस पेमेंट ऑप्शन आपको उसमें अंदर मिल जाएंगे विड्रॉल या डिपॉजिट करने के लिए, जैसे कि नेटलर स्टिल, बैंक ट्रांसफ़र, मास्टर कार्ड, वीज़ा, बहुत सारे आपको ऑप्शन उसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी आप लोगों के लिए सूटेबल हो आप उससे डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉल भी ले सकते हैं इजिली। तो गाइज फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये रियल है? तो हाँ जी हाँ, ये रियल है बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल रजिस्टर्ड कंपनी है। और अगर रजिस्टर्ड नहीं होती तो आप देखेंगे कि इसके एडवर्टाइजमेंट गूगल पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, काफ़ी बड़ी बड़ी साइट्स पे इसके आपको एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलेंगे। और इलीगली सबको पेमेंट करती है, रजिस्टर्ड कंपनी है, तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। छोटा अमाउंट से ज़रूर ट्राई करिए, तो अभी जाइए और रजिस्टर करिए। यामा की है, आवाज देखना गाड़ी में, इस रोड में ये 150 के स्पीड में मंगा रहे गाड़ी। ओ गॉड, यहाँ पे बस कोई आ ना जाए। किस किस को बाइक के साउंड बहुत अच्छे लगते हैं? इसकी टायर कितनी मोटी होती है ना यार। वाओ, इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। येलो इज द प्रीटी कलर, ये ना मुझे लग रहा है कि करवाया है ये। क्यों? बहुत ही सही लग रहा है। लेकिन बुलेट थी नहीं, कौन सी बाइक थी वो? हार्ले होगी, हार्ले डेविडसन। वाओ यार, बाइक का भी एक अलग ही क्रेज होता है। कावासाकी, मुझे लग ही रहा था ये कावासाकी, इसका नीचे का देखने से ही पता चल रहा था इंजन वगैरह। इतनी भारी बाइक है, निकालनी हो कहीं से तो लेकिन पीछे कोई नहीं बैठ सकता। तो क्या हुआ, मैं अकेले चलाना चाहती हूँ। बेस्ट है, नहीं मैं अकेले चलाना चाहती हूँ। क्रूजिंग के लिए बेस्ट है, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाओ ना, एकदम रिलैक्स, मस्त। वो देखा नहीं ना मूवी कबीर सिंह? यार मैं गिफ्ट करना चाहती हूँ किसी को। स्पोर्ट्स बाइक जो होती है ना वो लॉन्ग ड्राइव में कंफर्टेबल नहीं रहती, लेकिन इस तरह की जो बाइक है लॉन्ग ड्राइव में बहुत कंफर्टेबल है। इसके पैर आगे ऐसे आगे रख के, सीट भी ऐसी होती है कि आपको BMW जी।
बाइक भी ऐसी होती है क्या? मुझे वैसे बाइक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैंने ज़्यादा देखे नहीं है। देखो जब स्टंट वगैरह करते तो पीछे ये देखो वो आ गई, क्या ये हायाबुसा? कौन सा ये हायाबुसा? हायाबुसा ये कौन सी बाइक होती है? धूम में नहीं देखा तुमने? अच्छा धूम में हायाबुसा। सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है मतलब लग्जरी गाड़ी में बाइक्स में वो है हायाबुसा। इंडिया में मिलती है? हाँ इंडिया में बहुत लोग के पास है, बहुत दिख जाएगी। ये नॉर्मल रोड पे क्यों हो रही है रेसिंग? ताकि लोग देख पाए, कहीं चुपके करेंगे तो लोग नहीं दिखाएंगे, लोग कितने खड़े हैं साइड साइड में। और एक्सीडेंट हो गया तो? तभी तो कोई नॉर्मल लोग नहीं चल रहा, सिर्फ बाइक ही बाइक दिख रही है और कोई नहीं। पीछे आ रही है गाड़ियाँ। ये लस्की है यार, पर इसमें अलग ही वो है। इनकी जो साउंड होती है ना यार, वो मस्त होती है, मजा है। वही तो मैंने बोला कि इसको बाइक के चलाना अच्छे लगते हैं। ऑफ रोड बाइक है। डबल उठा के उठा रहे हैं यार वो तो, दो दो बंदे बैठे फिर भी उठा रहे हैं। उसको बहुत कॉन्फिडेंस है बंदे। ये बाइक जो ग्रीन वाली गई थी ना अभी, मैंने कल ही देखी थी मेरे घर के बाद। ये वो थी निंजा वाली जो बाइक है ना, निंजा। बहुत ही फास्ट है यार ये, बहुत लोग इतना फास्ट चला के कर रहे हैं। कावासाकी को ज़्यादा ही चल रही है। ये कितने लोग हैं पता है? 50 लोग के करीब होंगे ये बाइकर्स से, जो भी ये पूरे सिटी में घूम रहे हैं। और उसके बाद नॉर्मल बाइक वाले भी आ जा रहे हैं। नॉर्मल बाइक रेड बाइक, मुझे सबसे ज़्यादा वो येलो वाली पसंद आई, और हार्ले डेविडसन इज माय फेवरेट वन। मैं भी अपनी बाइक ले घुस जाऊँ क्या हमें? पहले वहाँ चले तो जाओ। ये देखो मिनी कार लेके आ गया, बोला तुम बाइक दिखाओगे मेरे, मैं गाड़ी दिखाऊंगा। भाई ये क्या है, कहाँ कहाँ से निकल रही है सर? ये भी अच्छा है, ये भी हार्ली है। ये जितने बाइकर्स होते हैं ना, ये साइड में इंडियन क्यों लग रही है मेरे को? क्या नाम है कब बोले? लाइटिंग की वजह से दिख नहीं रहा था क्लियरली। इंडियन बाइक का जैसे लग रही है मेरे को, नाम उसका चेंज किया ऐसा क्यों लग रहा है? इंडियन इंडियन बाइक में बोल रहा हूँ, इंडियन एक ब्रांड है इंडियन बाइक, आप अगर तो गूगल करोगे तो आपको दिखाई देगी। खतरनाक नहीं है यार, ये वो अमीर लोग हैं जो अपने शौक पूरे कर रहे हैं। तुम्हारे पास भी तो है रेसिंग बाइक, इतनी इतनी कॉस्टली नहीं है। ये तो अलग ही है, सो ब्यूटीफुल यार, पहली बार नाम देखा है, कितनी खूबसूरत है लेकिन ये। ओह गॉड, इसका ओनर कौन है? बहुत कंफर्टेबल बाइक है पता है, बहुत ही ड्राइवर के लिए तो बहुत सही है। ये सब बाइक थोड़ी सी मतलब आप इसको लॉन्ग ड्राइव में लेके जाओगे तो मुश्किल है बहुत।
पीछे वाले की तो बैंड बज जाएगी। डॉल्फिन एग्जॉस्ट लगा रखे हैं, आवाज मस्त आती होगी इसमें। निंजा ये तो दिख जाती है यहाँ पे। इसके मिरर देख रहे हो, साइड मिरर जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल है, सबके ही है यार। वो वाली बहुत खूबसूरत थी, मैंने पहली बार देखी वैसे गाड़ी। उसका कलर भी क्या सही था। BMW की बाइक भी होती है पता था ना? होंडा CBR RR। अरे ये पहले मैं ये वाले परचेस करने के सोच रहा था। RR नहीं यार, RR भाई है ना ये। अपाचे RR सोच रहा था परचेस करने के। अपाचे मोस्ट ऑफ ऑल रेड और ब्लैक है, रेड और ब्लैक है, रेड और ब्लैक है। सबने हेलमेट भी पहना हुआ है। फॉर्च्यूनर लेके आ गया इस। ये जो बाइक है ना, इस बाइक का जो फिनिशिंग है वो बहुत तगड़ा है। बाइक जैसे शाइन मार रही है ना, सुपर चार्ज। ये लो कार्स भी आ गई। अरे वाह यार, इंजन देखो इसका, 1 किलोमीटर लंबा था इंजन है इसका। दो लोगों के लिए लेकिन ये तो मॉडिफाइड है। कितना मोटा एग्जॉस्ट लगाया इसने, पीछे देखो ना अभी तो आवाज आ रही है इसकी ऐसी। ये तो नॉर्मल गाड़ी है, इसको वो किया है मॉडिफाई जी। गाइस ये थी वीडियो, और मेरे ख्याल से इस वीडियो में सिर्फ बाइक्स को ही कवर किया गया है, लेकिन बाद में कार्स भी थी। बाद में थोड़ी बहुत कार्स भी दिखी है, मतलब लाइक इन्होंने ऐसा बता दिया कि वहाँ कार्स भी थी। कार्स वालों की बेइज्जती होगी। और वो जो ग्रे कलर की बाइक है, आई डोंट नो उसका नाम क्या भी है, VF का नाम था, VX जो मैंने बोला बहुत ही सुंदर है। ये VMAX समथिंग था, वो भी कावासाकी की थी। भी बहुत ही सही बाइक मुझे लगी देखने में। खूबसूरत बाइक मैंने पहले नहीं देखी थी। वैसे मुझे बाइक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज मेरे को आती नहीं है चलाने। ये सब क्या होता है पता है, जिसके पास भी ऐसे हैवी बाइक्स होते हैं, मतलब एक तो देखो बाइक्स में कोई अगर इतना इन्वेस्ट करता है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख अगर इन्वेस्ट कर रहा है बाइक के अंदर, तो वो चीज़ उसका शौक है वो, समझ रहे हो? क्योंकि कोई बाइक में अगर इन्वेस्ट इतना रुपए कर सकता है तो वो 50 लाख या 1 करोड़ की गाड़ी भी खरीद सकता है, लेकिन फिर भी वो बाइक में इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब वो पर्सनली शौक है और पैसे की कमी है नहीं उसके पास, ठीक है? पहली बात तो ये होगी। अदरवाइज अगर लिमिटेड पैसे होंगे, चलो 20 लाख उसके पास इकट्ठा हो गया, तो वो ये नहीं सोचे वाले मैं कार ले लूँ, धूप से बारिश से पानी और इन सब चीज़ से बचूँ, उसके बाद अपने शौक पूरे किए जाएंगे और पैसे होंगे तो। लेकिन तो फिर क्या होता है, जब इनके शौक्स होते हैं इस तरीके के बाइक चलाने के, तो इनका ग्रुप बना होता है सबका। मैं भी ऐसे ही ग्रुप में ऐड था, तो उसमें सारे बाइकर्स होते हैं और उसमें डेट डिसाइड होती है कि कौन से डेट को हम लोग को संडे या फिर कोई भी होता है टाइम, उस टाइम को सारे जितने भी यहाँ मिलेंगे, तो उस दिन मिलेंगे 500,000 लोग सारे मिलेंगे, एक साथ बाइकिंग करेंगे। कुछ किलोमीटर डिसाइड होंगे कि इतने किलोमीटर तक जाएंगे स्टंट करते हुए, जैसे भी जाना जाओ मज़े करते हुए सब कुछ। और कभी 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 कभार ये होता है कि स्पॉन्सर्ड भी होते हैं ये सारे, कोई स्पॉन्सर्ड करता है तो उसमें खाना पीना जो रास्ते में जो भी कुछ मिलेगा वो सब फ्री होता है, तो अच्छा है ये, मज़ा आते हैं इसमें। इसकी भी एक अलग ही लाइफ स्टाइल है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को मज़ा आया होगा। और कितने ऐसे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और इस वीडियो में भी वो थे, कोई बाइक राइड कर रहे थे, मे भी ऐसा कोई तो निकल ही जाएगा जो इस वीडियो को देख रहा हो। और कितने लोग थे जिन्होंने अपने सामने से देखा, अपने आंखों से देखा है, और कितने लोग जो बाइक के शौकीन हैं जिनको पसंद है बाइक लवर्स, हिट द लाइक बटन।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना। मेरे को बोलने दो, हमने कुछ नए तरीके, मैं जब बोल रहा हूँ उसी टाइम तुम बोलना शुरू करती हो, फिर बोलती हो, बोलने दो मेरे को, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूँ, बोलो। तो बोल ही नहीं है ना कि मैं ये बोल रही हूँ कि हो गया, मैं ये बोल रही हूँ कि हमने कुछ नए तरह का कंटेंट ट्राई किया, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना ताकि हम मोटिवेटेड रहे। तो गाइस हमारे एक दूसरे चैनल भी है शिल्पा व्यूज के नाम से, जरूर उसको भी चेकआउट कर लेना। तो चलते हैं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस। नमस्कार।